हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो झटपट से बनने वाली है। तो मैंने एक चम्मच डाल लिया फ्राई पैन में तेल, और मैंने दो तीन आलू पड़े थे उबले हुए तो मैं उसको भी डाल रही हूँ इसमें, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ये झटपट से बनने वाली सब्जी है, और इसमें डाल रही हूँ एक स्लाइस एक बड़ा प्याज जो मैंने स्लाइस से काट लिया था, और एक ही शिमला मिर्च काटा है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे कई बार आलू उबले हुए पड़े होते हैं फ्रिज में और हमें सब्जी समझ नहीं आती है, वही आलू टमाटर वगैरह खाने में, तो इस तरह से आप बना के देखिएगा, आपको सब्ज़ी बड़ी स्वाद लगेगी। और इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच कसूरी मेथी, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हमें इसको अच्छे से बिल्कुल फ्राई कर लेना है एकदम। ये देखिए हमारे जो आलू है अच्छे से फ्राई हो गए हैं, प्याज वगैरह सब कुछ फ्राई हो गया। हम इसको अलग से निकाल लेंगे प्लेट में। अब हम इसकी मसाले की तैयारी करते हैं। तो मैंने दो बड़े चम्मच ले लिया दही, और इसमें बेसिक मसाले डालूंगी जैसे हल्दी, लाल मिर्च, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, और ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, और थोड़ा सा जो लाल मिर्च है वो स्वाद अनुसार डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने उसी पैन में हमने फिर एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे, आधा चम्मच डाल रही हूँ जीरा, और एक चॉप एक मैंने प्याज को चॉप कर लिया था रफली, इसको भी इसमें डाल दूंगी। अब इसको अच्छे से हमें भुनना है, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, हल्का सा पिंकिश कलर जब हो जाएगा तो हमने ये जो दही का मसाला बनाया था वो डाल देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने एक टमाटर को अच्छे से चॉप कर लिया था, अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इस मसाले को हमें अच्छे से एकदम भुनना है। ये देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ दिया, तो हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है एकदम। और जो हमने आलू और शिमला मिर्च को साइड में भून के रखा हुआ था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी एक छोटी कटोरी पानी, ज़्यादा पानी वगैरह नहीं डालना है क्योंकि सब्जी हमारी ऑलरेडी कुक हो चुकी है। तो बस सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे, और ये हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। और ये सब्जी यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है, झटपट से बनने वाली सब्जी है ये। और इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया, और आप इसको पूड़ी के साथ, परांठे के साथ, जैसे भी आप खा सकते हैं इसे। और ये बहुत सब्जी स्वाद लगती है ना, झटपट बनने वाली सब्जी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।